नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रभात वार्ता विशेष में। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संपादक विवेक शुक्ला जी। आइए हम जानते हैं इनसे कि बिहार में जिस तरह से सियासत गरमाई है उसमें इनका क्या कहना है। नमस्कार असमी, बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है जो है आज का। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार को लेकर के। जो सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जब जब किसी एक दल के साथ रहते हैं, कभी राजद के साथ रहते हैं, कभी भाजपा के साथ रहते हैं, लेकिन एक बार फिर जब सत्ता परिवर्तन हुआ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार जी गए तो राजद के कई नेताओं ने, मंत्रियों ने गैर कुछ बयान दिए ऐसे जिससे लेकर के काफ़ी उनकी भावनाएँ काफ़ी आहत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता चल रही है। चूँकि नीतीश कुमार को ये लगता है कि भारत 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं उनका एक रोल होगा और वो एक किंग मेकर की भूमिका अदा कर सकते हैं या खुद प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बन सकते हैं। इसका कारण ये है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको देश मानेगा। नीतीश कुमार की जो अपनी साफ सुथरी जो छवि है उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि हो ना हो आज नहीं तो कल एक प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में उनको देखा जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आज देखने को मिला कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह का बयान दे रहे थे कि नीतीश कुमार ने उनको बुलाया और नीतीश कुमार ने उनको इन्वाइट किया था पार्टी में, पार्टी कमजोर हुई थी, आज वो कह रहे हैं कि जिसको जहां मर्जी है चले जाइए, तो हमारा ये कहना है कि कुछ एक ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार को लगता है जो भाजपा के साथ जाकर के कहीं ना कहीं एक अपनी जगह बनाने के चक्कर में है, उनको ये महसूस होता है। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी ने जब उपेंद्र कुशवाहा जी पिछले कुछ दिनों पहले जब मिलने गए थे नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि क्या आप भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। उनका सीधा ये जो मीडिया में है खुद इसको स्वीकारा गया है। तो इस तरह के सवाल बार बार आ रहे हैं। जिस तरह से 2020 में जो चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, खुद नीतीश कुमार जी का कहना है कि चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उनको हराया और शायद यही वजह भी थी एक छोड़ने की। हाँ, इसमें आरसीपी सिंह को एक जगह दिया गया था कि आरसीपी सिंह के कारण भाजपा से वो अलग हो रहे हैं, लेकिन बात ये नहीं थी। बात 2020 के चुनाव की थी कि 2020 के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने जहाँ जहाँ भारतीय जनता, जहाँ जहाँ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे वहाँ वहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, उसका नतीजा ये निकला कि लोग ये कहने लगे कि लोजपा ही भाजपा है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी उस समय जो उनकी थी तो लोजपा ही भाजपा है। तो लोगों को ये कहीं ना कहीं से महसूस हो गया कि नीतीश कुमार को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को अपना मोहरा बनाया, और कहीं ना कहीं ये साबित भी हुआ क्योंकि जिस तरह से जो हार हुई जनता दल यूनाइटेड की, जो वो कई बहुत सारी सीटें पीछे हो गई, हाँ भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा जरूर हुआ लेकिन जनता दल यूनाइटेड को उसका फायदा नहीं हुआ, जैसा कि खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हमको उसका फायदा नहीं हुआ। और आज जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो कुछ एक राजनीति में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है। हर नेता अपना वजूद चाहता है, हर नेता चाहता है कि कहीं ना कहीं हमको एक जगह मिले, हमको एक बड़ा स्थान मिले। हो सकता है उनको ये लग रहा होगा कि नीतीश कुमार के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री के सबसे अहम और सबसे पहले दावेदार होंगे, लेकिन पार्टी में तो और भी नेता हैं जो उनको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है और नीतीश कुमार की एक बड़ी छवि है, तो कहीं ना कहीं देश में के लोगों को भी ये लग रहा है कि उनकी एक जगह हो सकती है 2024 में, कहीं ना कहीं विपक्ष के एक बड़े चेहरे के रूप में उनको लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल ये था कि ये कहाँ तक ऐसे लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार है जो वो वापस बीजेपी में जा सकते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार इसमें दो बातें हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कुछ मंत्री और कुछ नेता पिछले दिनों जो बयान दिए थे उससे काफ़ी नीतीश कुमार आहत हुए थे, और खैर उन्होंने उसका कोई खुद जवाब नहीं दिया, पार्टी के और नेताओं ने उसका जवाब दिया, लेकिन
उसके बाद जिस जिस नेता ने कहा था उसको पार्टी की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। लेकिन आज का जो आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि बार बार आने जाने का ये सिलसिला नहीं चलेगा, क्योंकि सामने 2024 में चुनाव है। हाँ, एक बार जरूर कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जो 2019 में चुनाव हुए थे लोकसभा में, उसमें नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े थे और उसमें उसको उनको बड़ा फायदा हुआ था, तो ये दिमाग में कहीं ना कहीं से होगा कि हो ना हो। लेकिन बिहार का जो बिहार की जो राजनीतिक समीकरण है, जो मुस्लिम और यादव वोट का जो समीकरण है, आज वो राजद के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीधी तौर पर जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन है। तो मुझे लगता है कि जो सिचुएशन आने वाले समय में होगी, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि हम बहुत पीछे नहीं होंगे, हम कहीं ना कहीं खड़े होंगे। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं किसी कारण, तो 2024 में उनकी उम्मीदवारी कहीं से प्रधानमंत्री पद के लिए हो ही नहीं सकती। तो ये एक बड़ा कारण है कि वो, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। हाँ, हालांकि कुछ नेताओं के चलते ये चर्चाएं बनी हुई हैं, लोगों को बहुत सारी बातें आ रही हैं, लोग कहते हैं कि बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह खेला होगा, कुछ लोग टूट कर चले जाएंगे। लेकिन इन सारे सवालों से भी देखना है कि सरकार जो है जिस तरह से चल रही है, जिस तरह नीतीश कुमार अपनी यात्रा को लेकर के निकले हैं, जो उनकी अपनी यात्रा है लेकर निकले हैं, जिले जिले में घूम रहे हैं, तो वो जानने की आंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी पहले की परिपाटी रही है, पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं, जनता के बीच सीधे जाते हैं, सीधे उनका सरोकार रहता है, वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मुझे नहीं लगता है कि कोई सवाल उठ सकता है। हालांकि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो ये चाहते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से फायदा हो सकता है, क्योंकि आरसीपी सिंह की बातें चल रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, और उपेंद्र कुशवाहा को लेके भी ये बातें शुरू हो गई थी कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले वो दिल्ली गए थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले थे, और चिराग पासवान तो भारतीय जनता पार्टी के सीधे संपर्क में है, तो कहीं कुछ कहना ही नहीं है। तो ये जो नेता हैं आसपास के, तो जिन्होंने नीतीश कुमार का नुकसान किया है, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार वापस जो है इस चीज़ को कभी बना पाएंगे, या कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिलहाल अभी इस समीकरण में नहीं जा पाएंगे। उसके बाद 2024 के बाद फिर 25 में विधानसभा का चुनाव है। हाँ, ये जरूर लगता है कि अगर इस गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ अलग सा होता है, हो सकता है कि एक बार चुनाव की तरफ मूव कर जाए, विधानसभा के चुनाव पहले ही हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे नहीं लगता है कि अभी ये सरकार चलेगी, और तेजस्वी ने भी कहीं ना कहीं राजद के साथ जो डील हुई है, उस डील में कहीं ना कहीं ये है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का एक दावेदार बनाया जाएगा, और ये जो कहना है कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस के मूड को लोग आंक रहे हैं, चूंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, और जब तक कांग्रेस का कोई डिसीजन नहीं सामने आता है, कुछ कहना अभी संभव है। एक और आखिरी सवाल है हमारा इनसे कि 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन कौन से ऐसे दल है जो कि नीतीश कुमार का सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए सम्मी, जो देश में विपक्ष की जो स्थिति है, कांग्रेस कहीं ना कहीं, कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसकी भूमिका है, लेकिन कांग्रेस का जनाधार जो है उत्तर प्रदेश बिहार में, वो ना के बराबर है। यूपी की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, वो बिल्कुल राममय हो चुकी है, तो कांग्रेस का सुपड़ा वहाँ साफ हो चुका है। वहाँ अखिलेश यादव अच्छे, जो उनकी पोजिशन है वो उनकी अच्छी है। नीतीश कुमार खुद बिहार में राजद के साथ सक्रिय हैं, तो राजद स्वाभाविक है उनके साथ रहेगा। अब सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की क्या भूमिका होगी, लेकिन जिस तरह से उनके लोग कहीं ना कहीं, उनके लोगों पर उंगलियां उठी हैं पश्चिम बंगाल में, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की क्या भूमिका होगी, ये कहना स्पष्ट अभी नहीं हो पा रहा है। हालांकि लोग उनको भी प्रधानमंत्री पद का दर्जा माने, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में उनका कोई जनाधार नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार में जिसकी राजनीति जमीन नहीं हो, मुझे नहीं लगता है कि वो दिल्ली पहुंच पाएगा। अब अखिलेश अगर साथ में आ जाते हैं, और स्वाभाविक है कि आ जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार हैं नहीं, जिस तरह से तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ है, तो बिहार में उनको सपोर्ट मिल सकता है। ममता बनर्जी हो सकता है उनके सपोर्ट में आ जाए। लेकिन एक बात अगर कह दें आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल दो जगह सरकार में है,
उनकी एक भूमिका पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का एक दावेदार मान सकते हैं, क्योंकि वो उनकी वो जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी की का जो उनका राजनीतिक जो जो उनकी स्ट्रेटेजी है जो उनका, वो बहुत ही अलग तरीके की है, और किसी न किसी तरह से गुजरात में भी 5 सीटें हासिल करके ये दिखा दिया है कि हम इस पकड़ में आ गए हैं और हमको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। तो केजरी कुछ बातें मन में रहती हैं, आदमी सामने नहीं ला पाता है, लेकिन वो मुझे लगता है कि 2023 के बाद बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें सामने आने लगेंगी, जब चुनाव 2-4-6 महीने बाकी रहेंगे तो कुछ चीज़ें और ऐसी आने लगेंगी जिससे ये साबित होगा कि प्रधानमंत्री पद का विपक्ष का चेहरा कौन बन सकता है। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन मार्क मैं जरूर देना चाहूंगा कि राहुल गांधी की जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, कांग्रेस किसी कीमत पर किसी गैर कांग्रेसी को नेता मानने को तैयार नहीं होगी, एक बड़ी वजह है, क्योंकि ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे साउथ के तेलंगाना को आप ले लीजिए, चाहे जितने भी जो राज्य हैं जो गैर भाजपाई हैं, कांग्रेस कभी भी स्वीकार नहीं करेगी कि कोई भी गैर कांग्रेसी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का विपक्ष का दावेदार, क्योंकि कांग्रेस आज भी खुद को सबसे बड़ी पार्टी मानती है और देश में अपना वजूद मानती है। तो अभी जो समीकरण जो देखने को मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात में चुनाव हुए, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद और भी जहां जहां जो चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुआ तो वहां पे कुछ चेंजेस हुए, तो बट वो तो आता जाता रहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव जो है वो एक जो बहुत अहम होता है और जनता बहुत सोच समझ के लोकसभा चुनाव में होती है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो भी क्षेत्रीय दल का जो भी नेता होगा उसकी राह थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर इसलिए मोहर लग सकती है, गैर कांग्रेसी दलों की मोहर लग सकती है विपक्ष की, चाहे वो शरद पवार हों या वो उद्धव ठाकरे हों, इसलिए मोहर लग सकती है कि इसका सबसे बड़ा जो कारण ये है कि नीतीश कुमार की छवि खुद में साफ सुथरी है, हाँ, लेकिन उनका जो उनका जो अपना जो पावर है, जो उनकी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं से 2020 के चुनाव के बाद से वो धीमी पड़ गई हैं, तो लेकिन वो जो एक जो मनसा होती है, शायद राजद का एक कुछ प्लान होगा आगे का कि हम इनको प्रोजेक्ट करेंगे, आगे बनाएंगे। अब देखना ये है कि बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं, बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे केजरीवाल हुए, ममता बनर्जी हुई, ये लोग इसको स्वीकार कैसे करते हैं, नीतीश कुमार के अगर का चेहरा अगर प्रोजेक्ट किया जाता है विपक्ष की तरफ से तो लोग इसको स्वीकार कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और ये राजनीति है, ये संभावनाओं का खेल है, यहाँ कब कौन किसके साथ जाता है कहना मुश्किल है, लेकिन जो बिहार की जो अभी राजनीति है जो अभी चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से हवाएं उड़ रही हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई सच्चाई है। और जो देखने को मिल रहा है कि चूंकि सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं खुद उनका जो चाहते हैं कि नीतीश प्रधानमंत्री बने, उसकी एक और वजह है, जब नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले जब ये खुद ऑन स्टेज ये कह दिया कि तेजस्वी 2025 से आगे बागडोर संभालेंगे, तो ये कहीं ना कहीं से एक अस्पष्ट होता नजर आ रहा है कि 2024 में जो भूमिका होगी तेजस्वी की वो नीतीश कुमार के साथ होगी। हम फिर इस पर चर्चा करते रहेंगे आगे भी जी। और बिहार को लेकर के हम चर्चा हमेशा जारी रखते हैं अपने, लेकिन हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि हमारा जो चैनल है वो अस्पष्ट चीज़ें दिखाता है और इसको देखने के लिए हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद देते हैं। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये सारी तमाम जानकारियाँ देने के लिए। एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ नए मुद्दों को लेकर, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें प्रभात वार्ता। नमस्कार।